अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ नासिर मुगल। आज हम कुछ दोस्तों के साथ आलमानी पॉइंट पे आए। ये दोस्त हमारे लाड़काना से आए, इनकी फरमाइश है कि आज मैं इनको झींगे की कढ़ाई बना के खिलाऊं। तो मैंने भी सोचा घर बैठने से फ़ायदा नहीं है, चलते हैं आज दोस्तों को कढ़ाई बना के खिलाते हैं। जब तक ये शिकार कर रहे हैं, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूँ इनके लिए, कोई सेटअप बना। उस साइड में समंदर नहीं है, आज हम इनको समंदर की मछली और झींगा बना के खिलाएँगे, झींगे की कढ़ाई। तो ये नए बंदे हैं, लगे हुए हैं शिकार में। शिकार का भी अभी टाइम नहीं है, पानी काफ़ी ठंडा है और साफ पानी है, शिकार भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये नए बंदे टाइम पास कर रहे हैं, जब तक मैं कोई झींगे की सफाई कर लूँ। यहाँ दिखा, यहाँ दिखा। पहली पहली मछली जो मैंने खुद शिकार की है, ये भी दरिया के शिकारी। और देखो समुद्र में क्या निकाला है। वाह देख यार, बहुत बहुत आला। ये भाई नाम सुधीर अमन। ये सुधीर भाई ने निकाला है भाई, दरिया के शिकारी। सब आपको क्या लग रहे, नहीं लग रहे? मैंने दो दाने पकड़े हैं, छोटी ढाई किलो का है। डोरी जो फेंका हुआ है ना, ये खास तौर पर डांटी के लिए फेंका हुआ है। अच्छा, डांटी जब आवे मैं इंतजार कर। फोन किया था मेरे को, बोला मैं कैदा पास पहुंचा हूँ, बोला चल जल्दी आ जा। कौन सी मछली? लेडी फिश को बोलते हैं। लेडी फिश? हाँ यार, ये दूसरी बार लगी है मेरी। दूसरी बार ये थोड़ी बड़ी है, वो पहले इससे भी छोटी थी। भाई मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई। भाई झींगा खाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी सफाई जितनी मुश्किल है ना। कहाँ से निकलता है पसीना? इधर मछलियाँ साफ हो रही हैं। मैं काम चोर काम कर रहा है आज, काम चोर। और पीछे हमारा जो है वो चूल्हा बन रहा है। ये नासिर भाई हमारे बावर्ची, पीछे सुधीर शिकारी। अरे झटपट, वो झटपट। हाँ पहले किया तेल गरम, उसके बाद झींगे डाले। अभी एक चूल्हा बनाना है बेटा। आज हमारे साथ बकचोदा बावर्ची शोएब। मेरी हेल्प कर रहा है ना यार खलील, बच्चा ना लो जाते तो एक काम खराब है, थोड़ा खाया नहीं खाया होता ना। अबे तो तुम ज़्यादा ज़्यादा नहीं डाल ना यार, तू से यार यार सुनो। नेम घंटों लगी ना, झींगा तो चेक करने गए। आप माने का, हम आप माने का।
सारे भी डालोगे क्या ये वाले? हाँ क्या तू? हाँ तो निकाल के दूंगा दादा। असलाम तुम दोनों बंदों को एक कब से खड़े हुए हैं? क्या पकट गए ना? नहीं कहीं नहीं जाएगी। चाय का बंदोबस्त कर, देखना कल्टी नहीं हो जाएगी। नहीं कुछ ना मुर्ते कर पूछना। चलो प्लेट आ जाए तब छोड़ दो। चलो करो प्लेट आ दे। हाँ बुझे वाह साथ जैसे सुनी थी ठंडा झींगे की वैसी है। हाँ वाह साथ सल्यूट किलो का माने का मनी वास्ता जितना सुना था उस्ताद ने उतनी अच्छी बनाई है। वाह यार अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी। मछली मछली खा कर देखो। हम आल फिलहाल खा रहे हैं पर बाद में तुम्हारे को बताएगा कैसा था। अरे वाह यार ये मछली किसने फ्राई की थी? क्रेडिट गोज रो नाम क्या है यार? मसाला कैसा है मछली का? बहुत टेस्टी होता शोएब, माना आपको भी भाई। अब हमारे व्यूवर्स को आप बताएगा कुछ दोस्तों को आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का प्रोग्राम आज का? जरूर जरूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पहले तो हम आए यहाँ पर भाइयों के साथ, पहले तो मछली पकड़ी और फिर उसके बाद वो पकाई झींगे और उस्ताद ने बनाए, वो बहुत हमने ठट्ठा के सुने थे, जैसे सुने थे वैसे ही हुए और बहुत मज़ा आया भाई वालों के साथ। यार ये मेरा फर्स्ट टाइम आउटिंग था दोस्तों के साथ बाहर, मछली पकड़ना फिर उसकी कुकिंग खुद ही करना और झींगे बहुत ही अच्छे बनाए हमारे उस्ताद ने, नासिर भाई ने बहुत ही अच्छे झींगे बनाए और लास्ट में चाय यार बहुत अच्छी बनाई। मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी बहुत भाई, अच्छा लगा। मेरी तो पहली पिकनिक की आउटिंग दोस्तों के साथ यहाँ बाहर, यहाँ पे बहुत मंजर भी अच्छा है और बहुत घूमने की भी पॉइंट है। आप भी आए घूमें और हमने खुद पकाया खुद खाया, बहुत मज़ा आया। नासिर भाई ने बहुत टेस्टी सालन भी बनाया था, बहुत मज़ेदार था। अब चाय पी रहे हैं लास्ट में, चाय का और मज़ा है। छोड़ दे भाई, ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैं दावत या इनवाइट किया कि आप मेरे पास आएँ क्योंकि ये टीचर्स हैं, सब उधर पढ़ाते हैं। तो खाना लेके इंसान जो पढ़ा के अपने हॉस्टल में बैठ जाता है तो काफ़ी जहनी डिस्टर्ब होता है। तो मैं सोचा क्या क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बुलाऊँ और उनको एक छोटी सी मामूली सी एक ट्रिप कराऊँ जो उनको बहुत ही पसंद आई और इसके साथ साथ मैंने खुद इंजॉय किया। मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं खुद आया हूँ, 6-7 महीने के बाद, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में था। तो आप सबका शुक्रिया कि एक बार फिर हमें वो चीज़ें यादें दोबारा देने। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई होती है कमेंट्स। सब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह।